आज के वीडियो में हम शिवरात्रि स्पेशल नीलाड बना रहे हैं एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि शिवलिंग त्रिशूला एंड जो ओम होता है उसे हम कॉम्बिनेशन में कैसे डिज़ाइन बना सकते हैं सो so, uh, मैंने यहाँ पे प्लेन नील लिया है जिसको मैंने अच्छे से बफ किया है इफ़ यू हैव मैट टॉप कोट आप वो भी अप्लाई कर सकते हो उसके साथ मैंने पेंसिल से पहले आउटलाइन ड्रॉ करने की कोशिश की है यहाँ पे पेंसिल ट्राई करना कि जितनी शार्प हो उतनी बेटर है क्योंकि जितना शार्पनेस रहेगा उतना फ़ाइन लाइन आएगा बिकॉज वी डोंट वॉन्ट पेंसिल के ज़्यादा ओवर मार्क्स हो जाए सो so, मैंने यहाँ पर ओम बनाया है ओम को थोड़ा सा एक ओम की लास्ट लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसी के ऊपर शिवलिंग का मैं आउटलाइन बना रही हूँ एंड आल्सो ऑल्सो मिक्सअप विथ अ त्रिशूल ओम के ऊपर एज़ यू कैन सी मेरे जो पेंसिल के मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है नेल्स पे रीज़न इज़ मुझे अगर मैंने पेंसिल के मार्क्स बहुत ज़्यादा पहले से ही प्रोमनेंट कर दिए तो नेल पेंट लगाते समय या फिर नेल पेंट लगाने के बाद भी वो पेंसिल मार्क्स दिख सकते हैं जो बहुत शाबी दिखते हैं ओवर पावरिंग हो जाते हैं कलर्स के ऊपर सो आई मेक श्योर कि मुझे जितना जजमेंट चाहिए उतना ही मैं पेंसिल मार्क्स लगाऊँ अब मैं त्रिशूला बना रही हूँ उसके बाद मैं इसके ऊपर टॉपकोट लगाऊंगी टॉप कोट मैं इसीलिए लगा रही हूँ सो दैट मेरे पेंसिल मार्क्स जो है वो मेरे नेल पेंट्स के साथ तो या फिर मेरे एक्रेलिक पेंट्स के साथ मैं आज एक्रेलिक पेंट्स यूज कर रही हूँ सो एक्रेलिक पेंट्स के साथ मिक्सअप ना हो जाए जनरली वो हो जाता है सो आई एल सिक्योर इट विद द हेल्प ऑफ टॉप कोट एंड अभी मैं बेस कलर कर रही हूँ बेस कलर मैंने येलो एंड ग्रीन कलर किया है एंड विद द हेल्प ऑफ पफिंग ब्रश आई एम मोर्जिंग द कलर्स इसके बाद मैंने शिवलिंग के ऊपर ब्लैक कलर किया है कलर्स को अच्छे से फिल करना बहुत ज़रूरी है नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लिखते हैं या फिर अनफिनिश्ड लुक दिखाई देता है ब्लैक कलर के जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं सारे एक साथ ही कवर करूँगी जैसे कि आप देख सकते हो मैंने त्रिशूल की डंडी भी ब्लैक कलर से बना ली है इसके बाद अब मैं ओम की आउटलाइन बना रही हूँ विद द हेल्प ऑफ रेड कलर आई मेक श्योर कि मेरा जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा प्रसाइज आए इस समय हमें बहुत ध्यान से करना है केयरफुली करना है बिकॉज uh, अगर इसमें मिस्टेक्स आती है तो फिर ये आउटलाइन है बिकॉज ये पेंटिंग नहीं है राइट सो मिस्टेक्स आउटस्टैंड स्टैंड होकर दिख सकती है मेक uh, श्योर sure जितना वन स्ट्रोक में आप ले सको आर्ट को uh, या लाइन्स को खींच सको बिकॉज अगर आप ओवर करते हो एक ही पे सो so, चांसेस uh, है कि बाहर स्पिल हो जाए एंड हमारा आर्ट अच्छा ना दिखे सो मेक श्योर करना कि हमारा वन टाइम में ही जितना हम लंबा खींच सके एक स्ट्रोक को उतना खींचने की कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप इज त्रिशूल पेंटिंग वील पेंट द त्रिशूल हमारा पर्पल कलर के साथ पर्पल कलर काफी आउटस्टैंड होता है येलो कलर के ऊपर एंड आई डोंट वांट कि सेम uh, कलर्स बार बार यूज हो सो आई हैव यूज्ड पर्पल कलर हियर एज़ यू कैन सी त्रिशूल इज़ समथिंग जिसमें सिमेट्रिक आना बहुत ज़रूरी है सो so मैंने दोनों साइड से बेस बना लिया है एंड अब आगे लाइन अप करूँगी मैं दोनों साइड से एंड सी हाउ ब्यूटिफुल आर त्रिशूल इज़ लुकिंग यहाँ पे एंड ऑलमोस्ट हमारा नीला आर्ट कम्पलीट हो चुका है विथ ऑल द एलिमेंट्स इंक्लूडेड शिव जी का एलिमेंट है त्रिशूल है एंड ओम है बस अभी शिव जी के ऊपर वाइट कलर के थ्री uh, लाइन्स बना रही हूँ Um uh, with a red dot in between. And our art is complete. Let's complete it with a top coat. Which is very important to seal all the products or um, nail paints or gel paints, acrylics. Final touch, top coat, is very helpful. So, I hope you like the videos. Don't forget to like, share, and subscribe.